हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंकी घर से। चलिए आज मैं आप लोग के लिए चने दाल का, जो फूला हुआ चने दाल है उसका सब्जी लेकर आया, जो बहुत टेस्टी है, बहुत जल्दी बनता है। इसको बनाने के लिए आपको ओवरनाइट चने दाल को फुला लेना है और इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। इस तरीका से देखिए, इसको ग्राइंड करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। और उसमें कटा हुआ, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, अदरक सॉरी नमक और हल्दी लीजिएगा। आप अदरक लहसुन वगैरह भी प्याज ले सकते हैं, बट सिंपल में ही ये ज़्यादा अच्छा बनता है क्योंकि ये ग्रेवी में जाके बहुत फ्लॉपी टाइप का बनता है। और यहाँ पे देखिए, सरसों तेल में इसको छोटा छोटा बड़ी के जैसा निकाल लेंगे। हम कढ़ी भी इसी चने दाल का ही बनाते हैं, बहुत टेस्टी इसका कढ़ी बनता है, बेसन बहुत कम ही यूज करते हैं। आप देखिए, सबको निकाल लेंगे हल्का ही इसको, पर ये नहीं कि पूरा रेड रेड ब्राउन कर देना, नहीं। यहाँ पर देखिए, मसाले के लिए धनिया गोल की और अदरक लहसुन सबको ना सिलवट्टा पे पीस के लाए हैं। और यहाँ पे ऊपर से लाल मिर्च और हल्दी ले लिया, लाल मिर्च से हाथ लहरने लगता है इसलिए पीसे नहीं है। और यहाँ पे सरसों तेल गरम करके उसमें जीरा और चॉप्ड किया हुआ दो मीडियम साइज का प्याज, हरी मिर्च 5-6 और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। पहले ही नमक डाल लीजिएगा, इससे क्या होता है ना कि प्याज अच्छे से गल जाता है। और यहाँ पे देखिए, जो मसाले बनाए थे वो मसाले को डाल देना है, एकदम लो फ्लेम पे इसको भूनना है हल्का हल्का पानी डालकर, नहीं तो पकेगा नहीं, कच्चा कच्चा जैसा मसाला लगने लगता है। अब देखिए इसको इस तरीके से, यहाँ पे चॉप किया हुआ टमाटर ले लीजिएगा, इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा और थोड़ा सा क्रश करके कस्तूरी मेथी ले लीजिएगा और 1 चम्मच दही ले लीजिएगा, फ्रेश दही लीजिएगा। इससे क्या होता है ना, मसाले को भी काटता है और उसके बाद थोड़ा कलर भी अच्छा रेस्टोरेंट टाइप का आ जाता है। आप कोई भी सब्जी पनीर वगैरह बना रहे हो उसमें क्रीम और दही ऐड कीजिए, देखिए उसका कलर बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसा आने लगा। तो हल्का गरम मसाला और दो ऊपर से तेज़पत्ता डाल दीजिएगा। अब पानी अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना ग्रेवी आपको चाहिए उसी, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल के इसको अच्छे से पकाना होता है, अच्छे से बॉयल आने तक। और जब भी वो बड़ी डालेंगे ना तो पूरा बड़ी ग्रेवी को सोख लेता है, देखिए इस तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है। देखिएगा इतना पे मैं उतारी हूँ, बट निकालने के बाद ये इतना मतलब सूखा सूखा सब बन गया था। अब देखिए हो गया सब्जी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, बिना स्किप किए फुल वीडियो देखिएगा आप लोग। थैंक यू फ्रेंड्स।